पहले तो आप ये पूरा वीडियो सुनिए कि हमारी एक नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को हराने के लिए अगर जेर का घूंट पीना पड़ा वो जेर का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी सबसे नंबर वन दुश्मन पार्टी बीजेपी पार्टी है। आज खींवसर में बड़ी सभा का आयोजन किया गया था जिसमें हनुमान बेनीवाल द्वारा प्रत्याशी का नाम खोला जाना था, लेकिन उस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है कि हनुमान बेनीवाल खींवसर में आरएलपी से किस प्रत्याशी को वहां से उतारेंगे। अभी ये नाम चर्चाओं में चल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को भी वहां से प्रत्याशी बनाया सकता है और कनिका बेनीवाल का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि वहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि सुबह से जो सभा है बड़ी तौर पर चल रही थी, हनुमान बेनीवाल द्वारा सभा का आयोजन किया गया था जिसमें पूरे जो उनके कार्यकर्ता है, उनके चाहने वाले हैं, वह सभी पहुंचे थे। भारी भरकम भीड़ भी हुई थी, कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए जिसमें हनुमान बेनीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकटें जारी नहीं की है, उन्होंने कहा है कि अभी 10-20 कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर ये फैसला लिया जाएगा कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, और हालांकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस टिकट वितरण के बाद ही हम अपने प्रत्याशी का नाम खोलेंगे। कि हमारी एक नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को हराने के लिए अगर जेर का घूंट पीना पड़ा वो जेर का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। और उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना अधिकार पूरा, और आपको भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं, मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर में मजबूत हो। आप लोग इस चुनाव को इतना घबराना नहीं है, फालतू परेशान हो जला क्या कहीं टाइम की कौन उन्हों चुनाव बड़े वोटों जीता बस बात खत्म। एक एक वोट, क्योंकि जिस देखो या हमारे साथ जिस तरह सर्व समाज के शेड्यूल कास्ट के दूसरे समाजों के भाई बैठे हैं, इससे अंदाज लग जाता है आपको। खाली गाड़ियां लेके अपन सोचेंगे गाड़ियां बेली करना रैली करना, बट मैं गाड़ियां देखो कि आदमी मौजूद कौन कौन है, अगर मौजूद आदमी नहीं है तो गाड़ियों में भीड़ करनी है। अभी मैंने गाड़ी थोड़ी भेजी, ऐसे सब गाड़ियां थारी ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हनुमान की पार्टी के खाते। आप लोग इस चुनाव को इतना घबराना नहीं है, फालतू परेशान हो जला क्या कहीं टाइम की कौन उन्होंने चुनाव बड़े वोटों जीता बस बात खत्म।